उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, अश्विनी शुक्ल पक्षे तु भवेद या चैत्र पूर्णिमा निशिथे वरदा लक्ष्मी को जागर्ती भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोकचेष्टावलोकिनी तस्मै वित्त प्रयच्छामि यो जागर्ती महीतले। कहते हैं आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की जब पूर्णिमा आती है उस समय लक्ष्मी घूमने निकलती है, पूरे सृष्टि पे घूमती है और देखती कौन जाग रहा है। को जागिरी थी, को जागिरी अपन बोलते ना, तो को जागिरी, कौन जागता है रे, कौन जागता है रे, कौन जागता है रे, ये देखने के लिए लक्ष्मी निकलती है। और जहाँ जाती है जो जागता हुआ मिलता है उसको, उसको कहती है तुझे मैं वित्त दूंगी, तुझे लक्ष्मी दूंगी, तुझे समर्थ करूंगी। इस तरह से जागने वाले को कहती है और सोने वालों के लिए वो निराश हो जाती है। सोया पड़ा है आदमी, कोई क्रोध में सोता है, कोई मान में सोता है, कोई प्रतिष्ठा में सोता है, कोई कपट कावा में सोता है, कोई धोखा देने के लिए सो रहा है, कोई न जाने किस तरह का भेदभाव करने के लिए अपनी शक्ति को खर्च कर रहा है। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी जाती नहीं, पर जो जागता है, अंदर से जागता है, उसको वो वचन देती है, आज से तुझे मैं लक्ष्मी से भर दूंगी। लक्ष्मी भी कितने प्रकार की होती है, एक होती है वित्त लक्ष्मी, यानी पैसे नोटा आदि सो है वो वित्त लक्ष्मी। एक होती है सौंदर्य लक्ष्मी, एक लड़की को देखो तो देखते रह जाओ, इतनी सुंदर वो होती है, सौंदर्य लक्ष्मी उसके पास होती है। एक होती है भाव लक्ष्मी, भावना से भरा हुआ आदमी होता है, मार साहब मान करे, पदार्थ जो मान करे, वो है वो है, इस तरह से भावना से भरे हुए होते हैं। कुछ लोगों के पास भावना की लक्ष्मी होती है, कुछ लोगों के पास गुणों की लक्ष्मी होती है, सद्गुणों से भरे हुए होते हैं, झूठ बोलना पसंद नहीं आता, गलत काम पसंद नहीं आता, ऐसे सद्गुणों से भरे हुए लोग होते हैं, उनके पास गुण लक्ष्मी होती है। एक होती है बाह्य लक्ष्मी, बाहर दिखने वाली, प्रतिष्ठा, प्लॉट, बंगले, गाड़ी, ये सारा बाह्य लक्ष्मी लोगों के पास बहुत सारी होती है। एक होती है शोभा लक्ष्मी, अपने आप शोभा बढ़ती है, देखते हैं तो ऐसा लगता है बाप रे इनके घर में कितनी शोभा है, कितना अच्छा लग रहा है ये घर। शोभा की एक लक्ष्मी होती है, एक घर में जाओ इतना पसारा पड़ा रहता है कैसे लगता है कठे आठे आएगा, और कुछ लोगों के घर में इतनी शोभा बढ़ी हुई होती है ऐसा लगता है थोड़ी देर रुके और देखे सब कैसी सजावट की है। शोभा की भी अपनी एक लक्ष्मी होती है। भगवानों इस तरह से आज की रात्रि से लक्ष्मी घूमने को निकलने वाली, दिवाली तक प्रतिपदा तक घूमने निकलेगी। और को जागरती, को जागरती, को जागरती, कौन जागता है रे, कौन जागता है रे, इस तरह से लगातार वो देखती रहेगी। और जो जागे हुए व्यक्ति है उनको क्या करेगी, वो वरदान देगी, संपत्ति से हर दृष्टि से भर देगी उसको। इस तरह से आज को जागिरी है, आज पूनम कौन सी है, को जागिरी पूनम है, को जागिरी, कौन जागता है रे, कौन जागता है रे, ये देखने के लिए आज से लक्ष्मी निकलेगी और प्रतिपदा तक रोज घूमने निकलेगी, रोज देखते जाएगी। दिवाली के दिन आप तो दरवाजे खिड़कियाँ सब खुले करके रखते हो, क्या सब साफ सफाई करते हो, पर अंदर से जागे हुए नहीं है तो बाहर की सफाई कुछ काम आने वाली नहीं है। अंदर का जागरण बहुत ज़्यादा महत्वता होता है। भगवानों चंदन जैसी सुगंध हमारे जीवन में होनी चाहिए। जरी संकटात पड़ला सज्जन तरी ही परोपकार करी, चंदन वनात जड़ता परिमल तैसावनांतरी पसरी, दुख परासीन द्यावे सत्य वदावे क्षमान सोड़ावी,
जोड़ा विकीर्ति जगती स्वमर्यादा कधी न सोड़ावी, स्वमर्यादा कधी न सोड़ावी। इस तरह से जो सज्जन होते हैं, जागे हुए लोग होते हैं, गलती होने नहीं देते, अपनी मर्यादा तोड़ते नहीं है। भगवानों, आजकल घर के बच्चों की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं है। बच्चे बाहर जा कर के क्या पी के आते हैं, क्या खेल के आते हैं, कहाँ पैसा खर्च करके आते हैं, इसको पूछने की भी आपके पास हिम्मत नहीं रही है। लड़के इतने ज़्यादा, लड़के और लड़कियाँ इतनी ज़्यादा तेज हो गई है कि माँ बाप का सुनती नहीं है। भगवानों, आप तो जागे हुए हो पर आपके बच्चे भी जागे हुए होने चाहिए। हमारे माताजी मार साहब मुझे रात को भेजते थे, देखते भाऊ कठे बैठे हुए, भाऊ कठे बैठे हुए, देखने आओ गणपत कने बैठे हुए। कहीं गणपत के पास बैठा हुआ होगा तो स्मोकिंग करता है, वो गलत बातें करता है, उसके पास मेरा बेटा नहीं बैठना चाहिए, ऐसी उसकी भावना होती थी। और मुझे देखने के देखने भक्त आ जाए, भाऊ कटे बैठे हुए इतो देखने आ जाए। इस तरह से माता जी मां सब ध्यान रखते थे। भगवानों, आपको भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चों के मोबाइल देखना चाहिए, उसमें किस किस के फोन लगे हुए हैं, किस किस के साथ इसने बातें की है, इसके किताबों में कौन सी चिट्ठी है, इसके किताबों में क्या क्या भरा हुआ है, ये सारी बातें माता पिता को देखनी चाहिए। और जहाँ तक बने, लड़की बड़ी हो जाए तो माँ के पास ही सोनी चाहिए, और लड़का बड़ा हो जाए तो पिता के पास ही सोना चाहिए, नहीं तो थे थाना सुओ, थारा रूम ना मामाना रूम में सुआ, ऐसे करते हैं। रात को कड़ी खोल के वे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ कुछ उल्टा धंधा करके आते हैं, पता नहीं चलता। भगवानों, इसके लिए माता पिता बनना बड़ा आसान है, बड़ा वैसे तो कठिन है बहुत ज़्यादा, पर किंतु माँ बाप बनना एक बात है और माँ बाप का कर्तव्य निभाना दूसरी बात होती है। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए कि हम तो जागे, हमारे बच्चों के लिए भी जागे। लड़कियाँ अपने समाज की, पुणे के अंदर अपने समाज की लड़की होटल में बेहोश पड़ी थी, शराब पी करके बेहोश पड़ी थी। रात को देखो हमारे पिछवाड़े, ऊपर से देखा जाता है, ऊपर से देखो तो लड़के लड़कियां बैठी हुई होती है, स्मोकिंग करती है, चाहे जैसे कपड़े पहनती है, आधी चड्डी पहनती है, ऊपर में छोटा सा टॉप पहनती है, और चाहे जैसी रहती है वो, तब आप सोचो क्या होता होगा, किस तरह से हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हम संभाले। भगवानों, इसके लिए जागना बहुत जरूरी है। आज आप संकल्प करेंगे, हमारे बच्चों के वॉचमैन हम बनेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये देखने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमको वो मम्मी कहता है, उनको वो पप्पा कहता है। मम्मी और पप्पा का कर्तव्य हो जाता है बच्चों को गलत राह पे नहीं जाने देना। भगवानों, इस तरह से आज की हमारी चैत्र पूर्णिमा हमें कहने आई है कि भगवानों, कुछ भी करो। और आज का चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा आज बहुत करीब हमारे धरती के आया हो, धरती और चंद्रमा के अंतर दिशवी अंतर बहुत कम हो गया है। और हमारे यहाँ तो चंद की परंपरा ही है, बालचंद्रन, लालचंद्रन, निहालचंद, प्रेमचंद, रामचंद, कितना चंद लगाओ थे, सगा चंद चंद्र लगाते हैं, मारवाड़ी लोग तो खास चंद लगाते हैं। भगवानों, इस तरह से चंद लगाते हो तो चंद्र जैसा काम आपका होना चाहिए, अंतर से तो शीतल हो और ऊपर से प्रकाश देते हुए अंधेरे में कोई बात हमारे घर में ना हो, इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। भगवानों, इस तरह से आज की पूनम हमें जगाने के लिए आई, दिवाली तक आपको जागना है। ना क्रोध में सोएंगे, ना मान में सोएंगे, ना माया में सोएंगे, ना राग में सोएंगे, ना द्वेष में सोएंगे। किसी भी प्रकार की नींद हमको घातक सिद्ध होती है, हमको दिवाली तक जागना जागना और जागना है। इसके लिए हमारे यहाँ तो नगर में 30 सामायिक करते हैं, 24 घंटे में 30 सामायिक करके जागती रहती है बहने, और रात को सोती नहीं है, रात को भी सोना नहीं, सामयिक लेके बैठ जाना,
जागना जागना और जागना, इस तरह से हमारे यहाँ जागने की परंपरा है। भगवानों जो जागता है उसके पास लक्ष्मी बढ़ती है और जो सोया रहता है उसकी लक्ष्मी घटती घटत घटत घट जाए, वो घटती घटती जाती है। एक ब्राह्मण का परिवार था और ब्राह्मण को कुछ कमाना नहीं आता था, जो जहाँ जाते उसको कोई मूड़ी नहीं आता था, वो बड़बड़ बड़बड़ करती रहती। उसकी पत्नी थे, जाते हो कुछ लाते नहीं हो घर में, कैसे हम करें, कैसे रसोई बनाए, कैसे सामान लाए, आप कुछ लाते ही नहीं हो तो क्या करें। आखिर उसके बोलने से बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया ब्राह्मण। उसको किताब में मंत्र मिला, किताब में मंत्र मिला कि चैत्र शुद्ध पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे अगर गर्म पानी में ज्वार डालो तो जितनी ज्वारी डालोगे उतनी सारे मोती बन जाएंगे। उसने पढ़ा और उसको लगा तो बच्चा घर बैठा धंधा अपने को मिल गया, अच्छी बात है, अपन काम करेंगे। अपनी पत्नी को कहा, देख 12 बजे ध्यान रखना है, गर्म पानी चूल्हे पर रख देना है और जब मैं हूँ करूँगा तो क्या करना, ज्वारी उसके अंदर डाल देना। इसका लगे तो बड़बड़ करे, कई फायदे नहीं या ना केवल में कई अर्थ नहीं। इस तरह से उसने कोई खास ध्यान दिया नहीं, पर पड़ोस वाली बहन ने ये सारा सुन लिया। एक ही दीवार की अंतर था, पड़ोस वाली बहन ने सुना कि आज गर्म पानी में ज्वार डालने से मोती होने वाले है। वो तो शाम को 10 बजे बैठ गई, हाथ में सूप लेकर के ज्वारी लेकर के गर्म पानी चूल्हे पर रख दिया और बैठ गई, ध्यान दे रही है कि मंत्र बोलने बैठ गए हैं ब्राह्मण साहब पड़ोस वाले और ये हूँ कहेंगे तब अपने को क्या करना है, ज्वारी डालना है। ये घरवाली तो नींद ले रही थी, 12 बज रहे थे, नींद आ रही थी, झोले ले रही थी वो, और इधर ब्राह्मण ने हूँ कहा और उस पड़ोसर ने क्या कर दिया, सारे मोती सारी ज्वारी डाल दी पानी में और देखते देखते बर्तन भर गया, अच्छे मोतियों से बर्तन भर गया। सवेरे उठ गए, वो के थाना केवरा में कई अर्थ नहीं है, कई हुई नहीं यात्रा बाद ज्वारी नाकी में ऋषि ऋषि ज्वारी पाच आई। अब गलती किसकी थी, बाई की गलती थी ना, बेचारा ब्राह्मण क्या करता। तब तक तो पड़ोसन आई, कटोरा भर के मोती लेकर के आई, कहने लगे आपने रात को काम किया, मैंने सुना था, मैं भी लेके बैठ गई ज्वार के लिए, ज्वार के दाने लेके बैठ गई और आपने हूँ कहा, मैं डाली और देखो इतने सारे मोती मेरे घर में बन गए हैं, एक कटोरी मोती आपके घर देने मैं आई हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, देखा घर वालों को कदर नहीं है, उसको कितनी कदर है, उसने काम कर लिया, अपने घर में मोती बना लिए और आप ऐसे बैठे रही। बेड़ा रा बाया मोती निपजे, निपजे वे आधी रात, कर्म हिना ने आवे नींदरी, छिटके है लाखेणी बात। बेड़ा रा बाया मोती निपजे, चतुर पड़ो सन बेड़ा साधली, चतुर पड़ोसन बेड़ा साधली, साचो धन आयो है हाते, बेड़ा रा बाया मोती निपजे, निपजे वे आधी राते, बेड़ा रा बाया मोती निपजे। चतुर पड़ोसन ने काम कर लिया और घरवाली नींद ही रहती रही, झोले ही खाती रही। और फिर कभी न कभी वो ज्वारी डाले, वो कहाँ से मोती होगी, वो तो मुहूर्त था, उस समय घड़ी का काटा जब ठीक 12 पर आएगा तब ब्राह्मण मोती हूँ बोलेगा और ये मोती पानी में डालेगी, तब मोती ज्वारी के मोती हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ था। पर घरवाली ने तो कोई बेड़ा साधी नहीं और पड़ोसन ने साध ली। भगवानों हमारे भी जीवन में
बेड़ा आई है, दिवाली आई है, करीब दिवाली आई है। देखते देखते हमारे यहाँ पर घर घर में दिवाली की तैयारियाँ होने लग जाएगी और दिवाली को मनाने के लिए सारे तैयार होंगे। पर आपको एक विनंती है, ना आप खुद फटाखड़े बजाएंगे और ना बच्चों के हाथ में देंगे। अग्नि के साथ खेल नहीं खेलना। और जिसका आवाज़ कुछ नहीं आता, इसकी अपेक्षा हारमोन बजाओ तो उसकी सुंदर आवाज़ आती है, उसके सारे गम पद अच्छे आते हैं। और फटाकड़े फाट हो जाता है, उससे क्या मिलता आपको? कान को तकलीफ होती है सो अलग है। और उसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है, इतनी खराब होती है कि कान को हाथ लगाने पड़ते हैं और दौड़ना पड़ता है। अपने हाथ से चिंगारी लगाओ और जान ला के दौड़ो, कहीं फटाफट आपला अंग मत आएगा तो कहीं करा। इस तरह से आदमी गलत काम करता है, गलत परंपराएं चल पड़ती है और उसका अनुसरण हम लोग करते हैं। भगवानों दिवाली के अंदर हम पटाखे बजाएंगे नहीं, बच्चों का लाड़ पुराएंगे नहीं, बच्चों को नए कपड़े देंगे, नए खिलौने देंगे, नया खाऊ देंगे, पर फटाखड़े के लिए बच्चों का लाड़ हम पुराएंगे नहीं, ऐसा संकल्प करते हुए आज आप दिवाली मनाएंगे। हमारे ज़िंदगी में दिवाली मनाना हमारा परम कर्तव्य है, उसके लिए जागते रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कोजागिरी हम कहते, पर कोजारी का मतलब क्या? कोजागिरी, को कह जागरती, कौन जागता है रे, कौन जागता है रे, ये देखने के लिए लक्ष्मी निकल पड़ती है।